कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ खबरें अब तक पहुंचाते हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की तादाद 2169 हो गई है। कोरोना से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और 2169 में से 1108 तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 1620 एक्टिव केस है। इलाज के बाद 510 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी 1620 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। और आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा यानी कि 454 केस अब तक सामने आए हैं। आगरा में 14 की मौत हो चुकी है, 14 लोगों की, और 74 मरीज ठीक भी हुए हैं। कानपुर में 207 और लखनऊ में 206 मरीज अभी भी हैं। और सहारनपुर में केसेस हैं 182, नोएडा में 137, मुरादाबाद में 109। और आगरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आगरा में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। आगरा में कोरोना मरीजों की तादाद अब 454 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 22 नए केस सामने आए, जिससे कि ये आंकड़ा अचानक तेजी से बढ़ गया। आगरा में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। और आगरा ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र वो जिला है जो कि काफी खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है, और इसको लेकर अभी तक प्रशासन और सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस पर काबू पाया जाए। लखनऊ से अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आगरा से विनीत दुबे जुड़ रहे हैं, उनसे इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अविनाश, जानना चाहेंगे कि टीम 11 की मीटिंग आज कब होनी है और क्या कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं। श्वेता, देखिए टीम 11 की बैठक शुरू हो गई है लोकभवन में, और इस बैठक में आज मुख्य रूप से जो बाहर के राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से वहां से वापस लाया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो प्रदेश में L1, L2 और L3 लेवल के जो अस्पताल बनाए गए हैं उसमें जो सुविधाएँ किस तरीके से दी जा रही हैं, उनको संक्रमण से रोकने के लिए किस तरीके से वहाँ के स्वास्थ्यकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा होगी। हालाँकि जो प्रदेश के पूरे हालात बने हुए हैं को लेकर क्या स्थिति है, इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों से बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की। लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से जो आंकड़े इस वक्त दिए गए हैं उसमें लाखों की तादाद में श्वेता जो मजदूर हैं बाहर के राज्यों में उनको लाया गया है, और चूंकि आज मध्य प्रदेश से जो तमाम मजदूर हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको आज लाने की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद कल गुजरात से और फिर हरियाणा से। हालांकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक अब तक तकरीबन 50,000 जो श्रमिक हैं वो हरियाणा और राजस्थान से उत्तर प्रदेश लाए जा चुके हैं। तकरीबन 6 लाख लोगों को क्वारंटीन किया गया है, आइसोलेट किया गया है। सरकार इस वक्त अगर हम बात करें तो इस बात पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, और जो सबसे ज्यादा इस वक्त समस्या श्वेता देखी जा रही है वो जो कामगार हैं, जो गरीब हैं और जो मजदूर हैं, क्योंकि उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की समस्या है। तो वैसे में एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि उन तक राहत का सामान पहुंचे, चूंकि इससे पहले आपने देखा कि मनरेगा मजदूरों के साथ साथ जो राशन कार्ड धारक थे या फिर जो दूसरे कार्ड धारक थे उनको सीधे उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया, उन तक राशन पहुंचाया गया। लेकिन अब इस बात पर सरकार फोकस कर रही है कि जो बाहरी राज्यों में जो उत्तर प्रदेश के लोग फंसे हैं उनको लाया जाए। इससे पहले कोटा से तकरीबन 10,000 से ज्यादा जो छात्र यहाँ और छात्राएं रहने वाले थे यहाँ के उनको लाया गया, और अब पूरा फोकस इस बात पर सरकार कर रही है कि जो अलग अलग राज्य, जैसे कि अगर हम हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो इस वक्त जो सरकारी आंकड़ा है उसमें सबसे ज्यादा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में अगर हम बीते मार्च की बात करें तो 28 और 29 मार्च को जो तस्वीर वहां पर आई थी, हालांकि उसके बाद बसों की व्यवस्था की थी राज्य सरकार ने, और सरकार के पास एक आंकड़ा है कि तकरीबन 3 से 4 लाख ऐसे मजदूर थे जो कि दिल्ली में फंसे थे, उनको प्रदेश में वापस लाया गया मार्च महीने में। उसके बाद अब चूंकि प्रक्रिया चल रही है दूसरे राज्यों की, राज्य सरकार ने उन राज्यों को एक पत्र लिखा है और किन किन जिलों में, उन राज्यों के किन जिलों में जो सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं यहाँ के वो फंसे हुए हैं या रह रहे हैं उनकी एक बकायदा लिस्ट मांगी गई है, और उस हिसाब से जो यहाँ का जो परिवहन निगम है उनको लाने की व्यवस्था कर रहा है। तो आज की जो बैठक है टीम 11 की श्वेता, उसमें मुख्य रूप से श्रमिकों और जो कामगार हैं उनको वापस लाने की प्रक्रिया को और किस तरीके से तेज किया जाएगा, और साथ में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो किस तरीके से बहाल की जाएगी उसको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि एक महत्वपूर्ण आपको सूचना दे दूं श्वेता कि आज से पूरे प्रदेश, आगरा से विनीत दुबे भी हमारे साथ है, अविनाश उनका भी रुख कर लेते हैं। विनीत, आगरा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्या कुछ नया, कोई नई प्लानिंग हो रही है आगरा के लिए, कोई नया स्ट्रक्चर?
लग रहा है विनीत से संपर्क टूट चुका है और टीम 11 की मीटिंग भी चल रही है। अविनाश कहीं रुक कर लेते हैं। अविनाश, जिस तरह से आगरा को लेकर भी हम देख रहे हैं, हालांकि आगे जब विनीत जुड़ेंगे तो उनसे भी इस बारे में जानकारी लेंगे, क्या आगरा को लेकर भी टीम 11 की इस मीटिंग में कुछ फैसला लिया जा सकता है उसके स्ट्रक्चरल कुछ बदलाव के लिए? निश्चित तौर पर श्वेता, क्योंकि राज्य सरकार के लिए आगरा चिंता की बात है, क्योंकि देखा जाए तो आगरा में जो संक्रमित मरीजों की तादाद है तकरीबन 400 से ज़्यादा पहुंच चुकी है और चूंकि सबसे ऊपर है आगरा, तो वैसे में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आगरा में संक्रमण को किस तरीके से रोका जाए। हालांकि कुछ खामियों का जिक्र किया गया है, कुछ बातें सामने आई हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जिला प्रशासन के स्तर से चूक हुई है, स्वास्थ्य जो वहाँ का महकमा है उसे चूक हुई है, जिसकी वजह से जो संक्रमण का वहाँ पर दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और चूंकि आगरा प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है श्वेता कि अगर वहां पर कम्युनिटी स्प्रेड अगर होता है तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। तो जाहिर तौर पर जो आज टीम 11 की बैठक हो रही है उसमें इस बात की भी चर्चा होगी कि आगरा में संक्रमण के बढ़ते दायरे को किस तरीके से रोका जाए और वहां के जिला प्रशासन को सचेत किया जाए कि अगर समय रहते कोई जरूरी कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो जो टीम 11 की बैठक होती है श्वेता हर रोज, उन जिलों की चर्चा निश्चित तौर पर होती है जो जिले सबसे ज्यादा इस महामारी से ग्रसित हैं। अगर हम बात करें आगरा की, बात करें लखनऊ की, बात करें कानपुर की, बात करें सहारनपुर की, बात करें या वो जिले जो अति संवेदनशील माने जाते हैं और जो जिन जिलों में सबसे ज्यादा मरीज हैं, तो उनकी चर्चा होती है और जो संबंधित जिलों के जो जिलाधिकारी होते हैं, जो वहां का प्रशासनिक अमला होता है, उसको हर रोज यहां से मुख्यमंत्री स्तर पर निर्देशित किया जाता है कि क्या कुछ कदम उठाया गया। टीम 11 की जो बैठक होती है श्वेता, उसमें चूंकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि हर रोज जो संबंधित जिले होते हैं वहां से एक बकायदा रिपोर्ट मंगाई जाती है, उस रिपोर्ट का जो टीम 11 के बाकी जो सदस्य होते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आगरा को लेकर भी इस तरह के कुछ निर्णय लिए जाएं कि वहां स्थिति जो बेकाबू हो रही है वो काबू में आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जानकारी देने के लिए।